आज 19 जनवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि जैसे आज छोटे बच्चे पवित्र फूल होने के कारण सबको आकर्षित करते हैं, सबको कशिश होती है उनके तरफ, वैसे तुम बच्चे भी जब संपूर्ण फूल बन जाएंगे अर्थात पवित्र हो जाएंगे तो तुम्हारे और भी सब आकर्षित होकर के आएंगे अर्थात सबको कशिश होगी। तो बाबा कहे तुम्हें ऐसा खुशबूदार फूल बनना है और पवित्र बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। प्रश्न है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं उन्हें विकारों का पता भी नहीं तो वह सबको कशिश करते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? बाबा पूछते हैं, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी अर्थात लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहां बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डिनास्टी में जाएंगे। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहां बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, यहां बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं किस लिए? हम आए हैं रिजेन्यूवेट होने अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदल कर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे, दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि हम
आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी, सो अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो या यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, या यात्रा नहीं परंतु जैसे कि माया के साथ की लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते भी है, बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर वन तूफान है कौन सा? देह अभिमान का। फिर है काम क्रोध लोभ मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे यह भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन। कई बच्चे बैठ करके सारा हिसाब, 5000 साल में इतने मास होंगे, इतने दिन होंगे, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सके। बाप समझाते हैं, यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनास्टी में जाते हैं, यह तो जानते हो ना। यह बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है, देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हम सबसे, दुनिया में ऐसी नॉलेज कहां भी नहीं, तो सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। उनको यह साकार चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बदलाते हैं। बाप पढ़ाए कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूं। किस तन में आता हूं वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा? परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। सुनते हैं, धारण करते हैं, फिर सुनाते हैं। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में,
न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मुंह रखते आए हो, बाबा कहे इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है, क्या लिखते हैं, मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो, मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है, इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। भले नॉलेज होंगी लेकिन याद रहे, स्मृति रहे, ये नहीं होता। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यहाँ तो बाबा घड़ी घड़ी अटेंशन दिलाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है, आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है, नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुखरता सुख करता हो। बाप समान जब बन जाते हैं तो बाबा कहे तुम भी हर एक खुद दुखरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए, यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होंगी। अभी तुम फील करते हो, हम पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी में अर्थात छोटे बच्चे में नॉलेज होती नहीं है और कोई अवगुण भी नहीं होता है। नॉलेज भी नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है, इसीलिए सबको कशिश करते हैं, जैसे अब बाबा कशिश करते हैं। ब्रह्मा बाबा में भी वो कशिश थी जो हर एक नेचुरली बाबा के पास चला जाता था। बाप आए ही है तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, पांच विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती है, उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती है। बबूल के कांटों से भेंट की जाती है मनुष्य की। तो बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है, फिर सत्युग में माया नहीं होगी तो यह कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट दो बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया, हर क्षण ड्रामा की हर क्षण नहीं है। तुम विचार करो सत्युग से लेकर यहां तक के दिन ही बदल जाते हैं।
एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की यह पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है? बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो? दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा? यह जहां रहते होंगे, ये लक्ष्मी नारायण जहां रहते होंगे, कैसे हीरे जवाहरतों के महल होंगे? बुद्धि में आता है, अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है, और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई की, दूसरे नॉवेल्स होते हैं, एक शास्त्र होते हैं, पढ़ाई की किताबें होती हैं और नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताब, स्कूल में जो होते हैं पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो, तो बाबा कहे अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो, अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल है और शांत स्वरूप है। आत्मा का धर्म क्या है? शांति। शांत स्वधर्म में हम स्थित होते हैं। तो एक तो आत्मा बिंदु मिसल और शांत स्वरूप है। शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं, सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इसमें ही सब मूंज पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, यह भाई का शरीर है, यह बहन का शरीर है। यह भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहां आकर आत्मा शरीर धारण करती है, वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है।
तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं, एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष इतने दिन मिनट इतने सेकंड पास कर आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, बाबा के पास एक्यूरेट हिसाब है, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो, कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हो, कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। शिव बाबा स्पष्ट तो नहीं करते कि एक्यूरेट कब आए, बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, तो बाबा भी बताते नहीं, ना कोई हिसाब निकाल सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है, स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। आज का स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। तो ये थे आज के बाबा के
मधुर महावाक्य। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.